हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल। तो जैसा कि मैंने कल आपको यूपीएससी आईएएस और आईएफएस के नोटिफिकेशन के बारे में बताया है, जल्दी से जल्दी इसको भर लीजिए। भरने के बाद आपको सिलेबस के बारे में जानना है, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानना है। तो चलिए, आज सिलेबस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सिलेबस के बारे में बताने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बताने से पहले, सबसे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जल्दी आप जल्दी से जल्दी यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि बाद में हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसी वजह से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आज हम आपको प्री के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके मेंस के सिलेबस के बारे में बताने जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्री बोलते हैं, इसमें आपको दो पेपर होता है, जीएस और सीसेट, और इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। जो 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके सिलेबस में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो आज मैं आपको 2021 के सिलेबस के बारे में बताने जा रही हूँ। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार वर्तमान में प्रारंभिक परीक्षा में दो प्रश्न पत्र शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, तो इसमें दो पेपर होते हैं, जीएस होता है और सीसेट होता है। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है, जबकि दूसरे को सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सीसेट कहा जाता है। यह भी मैंने आपको अभी बताया, और यह क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंक के होते हैं, दोनों मिलाकर आपको पूरे 400 के एग्जाम देने होंगे। पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन जीएस जनरल स्टडीज, 100 दो अंक के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होंगे। जबकि दूसरे प्रश्न पत्र सीसेट में दो की जगह 2.5 अंक का एक क्वेश्चन होगा, इसमें टोटल 80 प्रश्न पत्र होंगे आपका सी सेट में। अब चलिए हम बताते हैं कि इसमें आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, किस टाइप का पूछा जाता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगी, इसलिए आप उतना टेंशन मत लीजिए। अब चलिए हम जानते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है पेपर वन में, जनरल स्टडीज़ में। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र वन का संबंध सामान्य अध्ययन से है। इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं के बारे में जानना होगा, करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। सेकेंड, भारत का इतिहास और भारतीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। और आपको पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का भूगोल। इससे आपको पूछा जाएगा भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक्स जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। दोनों प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग की अवस्था लागू है, जिसके तहत तीन उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर का अंक काट लिया जाएगा। सीसेट में क्षमता से संबंध प्रश्नों में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते, क्योंकि अब सीसेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सीसेट पेपर में सिर्फ 33% अंक, लगभग 27 प्रश्न या 66% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। अब कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रथम प्रश्न पत्र यानी सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है। अब जानते हैं, अब चलिए आगे जानते हैं, भारतीय राजतंत्र और शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि, इंडियन पॉलिटी एंड
गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू। अब हमारा आता है आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर। अब हमारा लास्ट है पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामाजिक मुद्दे, जिनके लिए विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, जनरल इशू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये हो गया आपका पेपर वन जनरल स्टडीज। अब चलते हैं हम पेपर टू सी सेट के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र दो का संबंध सी सेट से है। इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, इसमें आता है बोधगम्यता मीन्स कॉम्प्रिहेंशन, संचार कौशल सहित, और इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, हम निर्णय लेना और समस्या का समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आता है सामान्य मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी। अब हमारा लास्ट है, इसमें हमको पढ़ना है आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, दसवीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निर्वाचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, जैसा कि आपको 9th-10th में पढ़े हैं, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, दसवीं कक्षा स्तर। मतलब इसमें आपको 10th-level का पूछने वाला है, इससे हाई लेवल वाला नहीं पूछेगा। 10th-level के नीचे जितना भी होता है NCERT का पढ़ जाइए। बेसिक नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th-level, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको चार ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है जो आपका राइट आंसर है, ABCD करके पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार संभावित विकल्पों ABCD, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, में से एक विकल्प सही का चयन करना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मेंस के सिलेबस के बारे में बताएंगे, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। तो सबसे पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे तब ना मेंस में जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्री पे फोकस करना है, कल हम आपको मेंस का बताएंगे। आपको इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए, ताकि जिन्हें भी इसकी आवश्यकता है उन तक ये वीडियो पहुँचे, उनके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी ऐसी डेली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।